नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने मेरी बेटी के जो बर्थडे का जो ब्लॉग था उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भेजे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो सरोजिनी आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही है। आपने जैसा जैसा कहा कि येलो साड़ी पहनने के लिए आपने जो कहा कि स्क्वायर वाला दिखाओ, ज़्यादा फोल्ड मत करो, तो एवरीथिंग ओके। एंड आपने कहा कि सनग्लास यूज़ करने के लिए, तो वो भी मैंने आज वेयर किए हैं। लेकिन मैं कह दूं कि हमेशा किसी का इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फॉलो करके अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मेरा काम में बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। क्योंकि आप क्रिएटर को अगर आप देखोगे कि उनका मन नहीं है, उनको किसी को फॉलो करके बनाना है किसी भी कोई भी वीडियो, तो उसमें बहुत तरह का दिक्कत हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँगी लेकिन अपने हिसाब से करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन हमेशा हर चीज़ को फॉलो मैं नहीं कर सकती, ओके। तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको जो वीडियो पसंद आए आप उसको ज़रूर देखना। और चलिए वीडियो को आज के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से पहले मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, एकदम हाफ पोर्शन तक मैं फोल्ड कर लूँगी, ओके। और उसके बाद मैं इसको और जो बाकी पोर्शन है इसको मैं इस तरह से कर लूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको इसके ऊपर की ओर दे दूँगी, देखिए इस तरह, ओके जी। अब मैं इसे टक कर दूँगी यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो साड़ी के अंदर से ये निकल जाएगा। तो अब मैं इसको टक दूँगी, ओके। दिस इज़ द फाइनल लुक। चलिए अब नंबर सेकंड। अच्छा, और मैं ये और एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये जो मैंने दिखाया आपको या आप लेफ़्ट साइड में भी टक कर सकते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने, ओके। एंड देन ये तो ये साइड में भी रह सकता है, अच्छा ही लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। नाउ द सेकेंड वन इज़, देखिए इसका जो हाफ पोर्शन है, मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ही दिखा रही हूँ। सरोजिनी आपने कहा स्क्वायर ही दिखाइए, ज़्यादा फोल्ड मत कीजिए, तो ओके कि थोड़ा सा तो फोल्ड करना पड़ेगा नहीं तो डिज़ाइंस कैसे बनेगा बेटा। तो देखिए एक फोल्ड लगाते हैं एंड देन और एक फोल्ड लगाएंगे, ज़्यादा फोल्ड नहीं लगाए हमने, दो फोल्ड लगाए, देखें, ठीक है। अब इसको इसके अंदर से लगा देते हैं ये ट्रायंगल शेप का, और इसको इसके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको रखना है, अगर इस तरह का डिज़ाइन है तो ये डिज़ाइन का ये बॉर्डर आपको दिखना चाहिए तो अच्छा लगेगा। और अब मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से मैं इसको टक करूँगी, ओके। देखिए इस तरह से ये जो इसका फाइनल लुक आएगा इस तरह से, ओके। तो अच्छा लगता है देखने में। और इसको मैं सेम चीज़ को मैं राइट साइड में भी लगा के दिखाती हूँ, ओके। इस तरह से देखिए ऊपर का जो पोर्शन है ये पूरी तरह से आप टक कर लीजिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा दिखता है ऐसे। अब देखिए मैं इसका छोटा छोटा प्लेट बनाऊंगी, ओके, इस तरह से, देखिए इस तरह से प्लेट बनाऊंगी, और फिर मैं और हो सके इफ पॉसिबल तो इस साइड को भी आपको फोल्ड कर देना, इसको थोड़ा सा दूर में कीजिए इस तरह, ओके, इस तरह से। और अब मैं इसको यहाँ पे लगा लेती हूँ, ये देखिए। तो इसका क्या होगा, ये मेनली इसका जो बात है कि ये जो बॉर्डर्स है ना, ये जो दो बॉर्डर्स दोनों साइड में रहेगा और यहाँ पे थोड़ा दो तीन प्लेट रहेगा, ओके। तो ये भी अच्छा लगता है देखने में, देखिए। अब देखिए सेम चीज़ को मैं लेफ्ट की ओर भी दिखा रही हूँ, ओके।
ये देखिए, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, एंड टू गेट माय नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।